हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ चाइल्ड एंड सेल्फ केयर। एज यू ऑल नो, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही टेस्टी से लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बन भी जाती है बहुत आराम से और खाने में भी बहुत टेस्टी एंड हेल्दी है। पता है, पहले मेरे को ऐसा लगता था कि लड्डू वगैरह बनाने का डिपार्टमेंट तो हमारी दादी माँ, नानी माँ या सासू माँ लोगों का होता है, हमारा नहीं होता। बट जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, आई फील कि हमारा खुद का अपने आप ही मन होने लग जाता है कि हम उनके लिए कुछ हेल्दी ट्राई करते रहें जो उनको अच्छा लगे और वो आराम से खा सकें। एंड यू कैन सी कि हाउ शी इज़ इंजॉइंग दिस लड्डू, उसको भी बहुत पसंद आया। तो और हमारे इंडियन कल्चर में फास्ट वगैरह भी हमेशा होते रहते हैं, तो ये लड्डू हम फास्ट में भी आराम से खा सकते हैं और 10-15 डेज तो ये बाहर भी ख़राब नहीं होते एंड फ्रिज में इसको अपन 1 मंथ तक आराम से रख सकते हैं। तो जिसे भी मेरी तरह ऐसा लगता है ना कि लड्डू वगैरह बनाना तो बहुत टफ सी चीज़ें होगी, तो वो ये लड्डू ज़रूर ट्राई करना, बहुत फटाफट से बन जाएंगे एंड घर के सब लोग बहुत खुश होने वाले हैं। तो चलो बातें और नहीं करते हैं, फटाफट से मैं बताती हूँ कि इस लड्डू को बनाना कैसे है। लेट्स गो। वी नीड जैगरी, फॉक्स नट, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई कोकोनट, मिल्क एंड घी। सबसे पहले मैं ड्राई कोकोनट को स्मॉल पीसेज में कट कर लूँगी ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। यू कैन ऑल्सो टेक कोकोनट पाउडर, बट ड्राई कोकोनट का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है एंड इसे ग्राइंड करना इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सी हाउ आई एम ग्राइंडिंग इट एंड देखो ये पाउडर बन के रेडी है। नाउ आई एम एडिंग सम घी टू रोस्ट द ड्राई फ्रूट्स। आई हैव टेकन आमंड, कैश्यू एंड रेजिन्स। यू कैन ऑल्सो टेक वॉलनट। आप गैस पे भी इसे आराम से रोस्ट कर सकते हो, बट आई प्रिफर माइक्रोवेव बिकॉज जब तक ये रोस्ट होता है ना तब तक मैं अपनी आगे की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। रोस्ट इट फॉर 60 सेकेंड फर्स्ट, देन इसे वापस अच्छे से मिक्स करना है, देन वापस 60 सेकेंड के लिए रोस्ट करना है। नाउ आई एम एडिंग घी टू मखाना टू रोस्ट इट। मखाने को मैं बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के बाद रोस्ट करूँगी और बहुत ही आराम से पाउडर बन जाता है, यू कैन सी इट। अब मैं ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करूँगी एंड मैंने थोड़ा सा एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट अलग रख लिया है लास्ट में लड्डू में ऐड करने के लिए। Now mix all the powder in a big bowl. Add the leftover ghee in it. And बाकी लड्डू के जैसे इसमें बहुत ज़्यादा घी की क्वांटिटी नहीं लगती है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी ही लगती है। Now it's time to melt the jaggery. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैगरी को हम बहुत अच्छे से मेल्ट करें। एक बार तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कैसे मेल्ट होगी, बट आराम से धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर मिलेगा इसको ये मेल्ट हो जाती है और इसको हमें स्टिर करते रहना है थोड़ी देर तक ताकि आराम से लिक्विड ही बन जाए। सी कितने अच्छे से ये लिक्विड बन चुका है। ये इसे है ना हम हैंड से बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत गर्म होती है, तो पहले हम स्पून से अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे तब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। फिर हमें अपने हाथों से आराम से थोड़ा टाइम लगेगा इसे मिक्स करने में ताकि एक एक जो भी हमारे लड्डू का है ना दाना उसमें अच्छे से जैगरी का मीठापन चला जाए। अब ये जैगरी पेस्ट थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे आराम से हैंड से धीरे धीरे मिक्स करूँगी एंड थोड़े से टाइम में ये बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों के साथ लड्डू के मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाएगा। मैंने जो एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स अलग से रख लिया था अब मैं वो ऐड कर दूंगी इस लड्डू में। Now it's time to add milk to it. Milk हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में ही ऐड करना है बिकॉज गुड़ की वजह से ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से फॉर्म में आ गया है बाइंड होने के लिए, बट मिल्क थोड़ा सा ऐड करते ही फटाफट से इससे ईजिली लड्डू बनने लग जाएगा। सी मैं आपको एक बना के बताती हूँ। टन टन, आवर लड्डू इज रेडी। देखो इतने सारे लड्डू बन चुके हैं,
एंड सी हाउ माई मदर इन लॉ इज मेकिंग द लड्डू सो स्किलफुली. जिसे भी सीखना है ये स्टाइल सीख लो, उनका देख के कॉपी कर लो आराम से. परफेक्ट लड्डू बन रहा है बिल्कुल उनसे. तो